नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक जानकारी बताया था कि जो पत्रकार मनीष कश्यप है वो खेसारी लाल यादव के साथ मिला था एयरपोर्ट पे और मुलाकात हुई थी। और उस समय उन्होंने खेसारी लाल यादव से कहा था कि आप जो है, आपकी ज़रूरत है और हमारे प्रचार में आइए। इसको लेकर तमाम बातें हुई थी कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव मनीष कश्यप के प्रचार में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसको लेकर तमाम बातें हो रही थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से भी ज्यादा बड़ा पलटीबाज जो है मनीष कश्यप निकल गया। जी हाँ, मनीष कश्यप जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जहां बात करें तो दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व है, जेपी नड्डा जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेतृत्व में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और ज्वाइन करने के बाद जिस तरीके का बयानबाजी हुआ है कि मनीष कश्यप का ये कहना है कि आज जो है मेरे माँ के चेहरे पर ज्यादा मुस्कुराहट है और आज जो है हम सही जगह पर आ गए हैं। वही मनीष कश्यप जो लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे थे, कहा जा रहा था कि जो जेल भेजाने की प्रक्रिया थी वो तेजस्वी यादव के द्वारा ही किया गया था। तो मनीष कश्यप का ये भी कहना था कि जो बीजेपी है उनको जेल से बाहर निकालने में मदद जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया था, इसलिए उनका साथ जो है वो दिया है। बाकी मनीष कश्यप जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन किया है उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।